हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो? आज मेरे साथ जुड़ा हुआ है मिसबाह, जो कि मेरा बहुत साथ दिया है शुरू से ये व्लॉग में, ठीक है। और आज मैं बता दूं आपको कि आज टीपू भाई का वलीमा है। तो वहाँ जाने से पहले एक मिनट, मैंने कुछ व्लॉग शुरू होने से पहले भी कुछ शूट लिया था सुबह का दिन का, तो पहले वो देख लेते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। देख सकते हो अभी वलीमा का सुबह का वक्त है और टीपू भाई से हम मिलने के लिए आए हैं। और टीपू भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया ना। आपका जो लास्ट वाला वीडियो था बहुत चल रहा है जी जी। तो देख सकते हो बड़ा अच्छा, एकदम लगड़े, एकदम दूल्हे जैसे लग रहे हैं भाईजान। दूल्हे ही ठीक है। चलो अब शाम में मिलते हैं आपको। हाँ, आप तैयार हो जाइएगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। गाइज, व्लॉग स्टार्ट होने से पहले का फुटेज, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे फिलहाल लगता है मैच वगैरह चल रहा है। तो किसके बीच मैच चल रहा है अभी भाई? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। अच्छा, इसीलिए सब लोग देख रहे हैं, बड़े एकदम गौर से देख रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे देख सकते हो हमें, यहाँ पे ब्लॉग दिख रहा है मेरा। ओ अच्छा। तो ये वाला एरिया आप देख सकते हो, पूरा एरिया जो है ये, यहाँ पे खाना खिलाया जाएगा जेंट्स लोगों को, और लेडीज़ का थोड़ा बगल में है। तो ये देख सकते हो, ये वही एरिया है जहाँ पे, ये देख सकते हो, ये बैडमिंटन कोर्ट है जहाँ पे हम लोग बैडमिंटन खेलते थे। हाँ, तो अब लगता है अंकल को बोलना पड़ेगा कि ये जगह मैरिज हॉल के लिए वक्फ कर दिया जाए। तो इस साइड देख सकते हो यहाँ पे खाना बनने का प्रोसेसिंग चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो खाना बन रहा है। तो चलो अभी हम अंकल से पूछते हैं, सैफू अंकल से। हाँ अंकल, यहाँ जो खाना बन रहा है वो कहाँ से आया है? खाना वाले सिल्लीगुड़ी के कारीगर है जो खाना बनाने आए। अच्छा, और कैटलर वगैरह भी जो किया गया वो कहाँ? अच्छा, वो कटिहार से किया गया। ओहो, अच्छा। और सब बढ़िया अंकल? सब कुछ अच्छा चल रहा है? ये लोग बना रहे हैं अभी? तो हम लोग देख रहे हैं जी, कारीगर सब क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग सूरदार दास बन के बैठे हुए। अच्छा, सूरदास बनकर बैठे हुए जी। जब आने के वक्त गड़गड़ाएगा जी, तब समझेंगे कि हाँ बना है या नहीं बना। नहीं। अच्छा, तो आप देख सकते हो यही है वो बावर्ची जो लेके आए सिल्लीगुड़ी से सभी को। तो आप सिल्लीगुड़ी से एक्यूरेट? अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हो खाना वगैरह जो है बन रहा है। यहाँ पे ये मटन है और पुलाव वगैरह भी शायद अभी नहीं बना है, लेकिन अभी फिलहाल मटन बन रहा है। यहाँ देख सकते हो ये भाई साहब एकदम हाथ चला रहे हैं जम के। मैं बता दूँ, ये हमारे सामने अभी है ये फैजान भाई, जो कि पटना से आए हुए हैं। आप पटना से हैं? जी पटना से। पटना से। और मेरा एक फ्रेंड है काशिफ कामरान, तो उनको ये पहचानते हैं शायद। आप पहचानते हैं ना? हाँ। जो व्लॉग बनाता है जी जी। तो बताओ यार काशिफ, मैं तुमको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि देखो ये मधेपुरा आए हुए हैं, ठीक है। और मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके आपसे मिल के बहुत अच्छा लग रहा है। आपके व्लॉग वगैरह भी देखा मैंने, बहुत इंटरेस्टिंग। और काफी सारे गाइज लोग को भी मैं कहना चाहता हूँ, सब लोग देखे, बहुत मजा आएगा। तो आज वलीमा है, तो अभी से शुरू कर दिया मैं व्लॉग बनाना, और रात को तो फिर देखना ही देखना है। ठीक है, फिर मिलेंगे शाम में। चलो थोड़ा बहुत तैयार वैयार हो जाते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को दिन वाला? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अभी मिसबाह आ चुका है, तो अब हम लोग इसके साथ जाएंगे वहाँ घर पे, ठीक है। देखेंगे स्टेज वगैरह बना है तो उसको भी देख लेते हैं थोड़ा कैसा है, ठीक है। और मिसबाह कुछ बोलना चाहोगे यार? और क्या बोलूँगा, इतने दिनों बाद तुमसे मिला। बहुत अच्छा लगा यार। देखो यार इसका हाइट देखो यार, मेरे इतना बराबर हो गया यार, बहुत इतना बड़ा था यार, इतना बड़ा हो गया, लेकिन मेरा ही हाइट नहीं बढ़ रहा यार। आप जितने लोग सब्सक्राइबर है मेरे लिए प्लीज थोड़ा सा दुआ करें कि एक इंच थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है। तो चलो ये सब बातें बाद में, आप चलते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर के बाहर, और ये है सामने वाला टीपू भाई का घर। तो देख सकते हो क्या बात है यार, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, क्या एंट्रेंस है। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर खाना खिलाने का प्रोग्राम होगा, और ये है इनका 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 पूरा घर हो गया, ठीक है। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि ऊपर जाए और थोड़ा सा शॉट ले। और यहाँ से आप देख सकते हो ये हो गया पूरा एंट्रेंस, और इधर ही खाना का खिलाने का प्रोग्राम है। आप देख सकते हो पूरा एकदम क्या सजा हुआ है, इतना खूबसूरत लग रहा है। वाह, खाना? हाँ, खाना लगभग आपको 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो कितने बजे से आप बताइएगा? खाना का समय, वालेकुम सलाम, खाना का समय 7 बजे है। 7 बजे, लेकिन 7 बज बज चुका है, चालू है, आप लोग वहाँ जाइए खाइए। हाँ, तो खाना चालू है, आप यहाँ से सीधे चले जाए वहाँ पे, ठीक। खाना जी, ठीक है। कितना वीडियो बना
गाइस अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर जहाँ पे टिप्पू भाई बैठेंगे, तो चलो वहाँ पर का स्टेज देखते हैं कैसा है। यहाँ पे सीढ़ी के हर एक कोने कोने में बैलून लगा हुआ है, और अभी मैं आ चुका हूँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और यहाँ पे भी कुछ बैलून वगैरह लगाया हुआ है। अना भैया कैसी हो? हेलो लो, पहले इसका थोड़ा सा ले लेता हूँ। कैसी हो? ठीक हो? ठीक है। तो अभी मैं बाहर था वहाँ पे नीचे, वहाँ से वीडियो शूट कर रहा था, और इससे ऊपर और जाना है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा स्टेज। फाइनली मैं ऊपर आ गया, और यहाँ पे मेरी मुलाकात जिल्लू भाई के साथ हुई है। तो जिल्लू भाई आज तो हमको लगता है बहुत परेशान हूँ। यूजुअली काम नहीं करता। अच्छा, यूजुअली ज़्यादातर आप काम नहीं करते। अच्छा, तो और कुछ बताना चाहेंगे? सब बढ़िया ना, चलिए अल्लाह का शुक्र है। तो अभी मैं अभी थोड़ी देर में टिपू भाई स्टेज पे बैठेंगे, और दुल्हन ऑलरेडी बैठ चुकी है, तो चलेंगे, ठीक है। तो ब्लॉग में सब लोग आ जाएंगे और ये सब फैमिली वाले हैं इनके, ठीक है। मैं अभी कुछ वीडियो बना जी जी ये बन रहा है, देखिए यहाँ। तो ये उनके पापा हो गए, और उनकी मम्मी हो गई, और ये इनकी पोती हुई, क्या नाम है इनका? अक्षर रहमान। अक्षर रहमान, अच्छा। ओ इधर भी है। ओहो, देखो सब फैमिली वाले कितने अच्छे लग रहे हैं एक साथ है तो। गाइस मुझे अभी बहुत मुश्किल से मौका मिला है, तो अभी मैं आया हूँ गिफ्ट लेकर। तो चलो पहले गिफ्ट दे दिया जाए, उनके बाद फिर भाभी से मुलाकात होगी। तो फाइनली मैंने यहाँ पे रख दिया, और ये यहाँ पे बैठी हुई है फाइनली, और टीपू भाई नहीं दिख रहे यार, ना इधर है ना इस साइड है, चलो उनको भी ढूंढ लेंगे। तो चलो फिर चलते हैं नीचे, और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं इस साइड और इस साइड भी। बता दूँ यहाँ पे जो है इंतज़ाम जो रखा गया है वो है लेडीज़ लोगों का इंतज़ाम, और यहाँ पे लेडीज़ लोग खाना खाएगी, और यहाँ पे ये मैनेजर साहब हमारे ये हो गए शजील भाई और नेमत, और मेन जो मैनेजमेंट हैंडल करने वाले हैं वो है हमारे आमिर भाई। कोई बात नहीं, मुस्कुराइए, ठीक है। हर बात देखो यहाँ पे लगा रहा है सब जगह पहले से हम लोग प्लेट वगैरह लगा लिए हैं। मैं भी हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसलिए क्योंकि हम लोग मोहल्ले के हैं, और तो हम लोगों को ज़्यादातर पता रहता है कि यहाँ पे कौन कौन अगल बगल रह रही है, तो उसको अच्छे से खाना खिलाने का ज़िम्मेदारी दी गई है। तो मुझे जो मिला है खिदमत करने का एक चांस, तो मैं यहाँ पे रहूँगा। तो लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को ब्लॉग भी दिखाऊँगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जेंट्स का जो खाना है वो स्टार्ट हो चुका है, और सभी लोग यहाँ पे खा रहे हैं, और यहाँ पे ये है जोहेब भाई, और यहाँ पे सलाद वाले भाई साहब। और अरम कैसे हो? बड़े हैं, खा रहे हो? कुछ चाहिए भी तुमको? नहीं। और कैसे भाई साहब? ओह बहुत बढ़िया। और ये हमारे अंकल गार्ड अंकल कैसे हैं? वही पार्टी में अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे बच्चा सबको मैंने अभी सर्व किया ये खाना, ये पुलाव मटन, क्योंकि यहाँ पे सब छोटे छोटे हैं और अपने हाथ से तो निकाल नहीं सकते, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अभी ऐसा चल रहा है ना कि सब कुछ अपने टेबल पे आ जाएगा और खुद से निकाल लो, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और है ना, कैसा लग रहा है? अच्छा। हाँ, ये मेरा भैगना है ना भांजा, देख सकते हो यहाँ पे तैयार हो रहा है। इसे कहते हैं बेबी नान। बेबी नान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लंबा लंबा है, और एक होता है पूरा बड़ा वाला होता है ना गोल ऐसा, तो इसलिए इसको बेबी नान कहते हैं। ये भाई साहब ने अभी मुझे कहा है, ठीक है। तो अभी देखो किस तरीके से ये तैयार होगा। तो ये देख सकते हो ये है बटर, और ये बेबी बटर नान हुआ क्योंकि इसमें बटर से बन रहा है। और देख सकते हो यहाँ पे फ्लेम भी हो चुका है बहुत तेज़, और इसको देखो किस तरीके से ये बनाएंगे अभी प्रोसेस देखो। और ये अभी हो चुका है, पलट चुका है, तो अब ये पलटने के बाद इसमें डायरेक्ट उसको हीट मिलेगा अंदर से। तो ये देख सकते हो ये थोड़ा सा फ्लैट है, हाँ, और इस तरीके से ये देखो ये किस तरीके से थोड़ा थोड़ा पकना स्टार्ट हो रहा है, और वो देखो वो कितना लाल लग रहा है यार, मतलब उसमें कितना हीट होगा। ओ भाई साहब क्या टैलेंट है यार। नाउ फाइनली ये हो चुका है रेडी, और देखो इस तरीके से इसको निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो इसी तरीके से इतना सारा तैयार हो चुका है यहाँ पर, और लोगों को खिलाया भी जा रहा है। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कुर्सी और पोजीशन वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है। तो ये जो नाश्ता है ये वहाँ से जो आए हुए गेस्ट हैं उनके लिए है, तो यहाँ से देख सकते हो दो लाइन में लगा हुआ है। तो निमत क्या क्या लग रहा है यहाँ पे? अभी तो चीफ गेस्ट आए हुए हैं,
जीती बाबू के ससुराल के तरफ से, तो वैरायटी आप दिखा सकते हैं क्या क्या लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ देख रहा है, है काजू है, तो देख सकते हो यहाँ से आप देखो कितना अच्छा व्यूज आ रहा है, एकदम एक लाइन से लगा हुआ है, जैसे लग रहा है महाराजा राजाओं की जो वो होती है ना वो लगती है ना। हाँ वही फैजान भाई, हम लोग इस्तकबाल के लिए एकदम तैयार है ना, पूरा तैयार है, एकदम आने दीजिए उन लोगों को, हमारी होगी तबाही मच जाएगा एकदम जी। वो लोग बोल के जाएंगे ये बात कि क्या बोलते हैं, काबिले तारीफ था, वाह याद रखेंगे। ओ भाई साहब देख सकते हो यहाँ पे को इंसिडेंट, यहाँ पे हम मुझसे मिलने आए और ये सब भाग रहे हैं, पूछ रहे ब्लॉगर कहाँ कैसे हो, ठीक है ना, चलो ये वही से है ना ये, वही से, अच्छा अच्छा वहाँ देखा था हमको। चलो तैयार हो जाना खाने के लिए, तुम लोगों के लिए लगाया जा रहा है अभी। देख सकते हो कैसे पानी वाला लापरवाही किया और उसके वजह से हम लोगों को बगल वाले अंकल के यहाँ आना पड़ा और यहाँ से हम लोग पानी भर के लेके जा रहे हैं। फाइनली हमारे जो जितने भी टीम मेंबर हैं जो बहुत ही मेहनत किए हैं शिद्दत से जी, और अभी हम लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए और हमारे साथ हमारे मेन गेस्ट टीपू भाई दुल्हा भाई जो कि यहाँ पे है हमारे साथ। और अनस कैसे हो, बहुत अच्छे आ, अरे तुमको बहुत देर से खोज रहे थे यार, तुम भी उस टाइम नहीं मिले लेकिन अभी मिल लिए यार, और सब कुछ बढ़िया ना, बहुत देर से हैं बगल में। अच्छा बहुत देर से गलत बात और कुछ लोग इस साइड है, और कैसे है भाईन, आपका फेसबुक हमेशा अपडेट रहता है, मैं देखता रहता हूँ। और सद्दाम भाई बढ़िया ना, स्वाद अभी नहीं चखे। और ये हमारा लड्डन जो कि बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि मैं कब आऊँ इसके पास और पूछूँ कैसा लग रहा है, एक नंबर बस। चलो ठीक है, ये है लड़का के सबसे बड़े भाई, ठीक है, तो ये अब फाइनली खाना खाने के लिए बैठ ही गए इतना देर से और इन लोगों के साथ हम लोग भी खा रहे हैं जी। कुछ कहें, अब जाइए और खाना खाइए। अच्छा ये कहना था, कमरान कौन है, बस बस ये लगा हुआ मेरा। कमरान भाई क्या खा रहे हो भाई, बिरयानी चल रहा है, बिरयानी लास्ट में खाने का यही फायदा है। अच्छा जी क्या क्या चल रहा है अभी, बिरयानी है और देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या है, ये कलेजी है, ये गोश्त है, मटन है, फाइनली बिरयानी बहुत शानदार है, हमारे दुल्हा जी कह दिए शानदार तो शानदार, बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट। तो सरजिल भाई बताइए कैसा लग रहा है बिरयानी खाने में आपको, सही लग रहा है। हेलो गाइस, तो अभी मैं आप लोगों के सामने मैं मिलाने जा रहा हूँ, ये है अनस, अनस हीरो, आपने नाम सुना होगा सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, ये उनके ऑनर है, तो अभी मैं जा रहा हूँ। इतनी कम ये भी बताओ ना, इतनी कम से, ये है अनस और आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, पूरे सुपौल डिस्ट्रिक्ट में इनका नाम सब जानते हैं। तो ये एक हीरो शोरूम, आप लोगों ने जाना होगा सुपौल के अंदर, हीरो अनस हीरो, ठीक है, इनके नाम पे एक पूरा शोरूम है। तो ये हमारे पड़ोसी भी हुए, तो बहुत इनका दिल बहुत अच्छा है यार, मिल जाएगा ठीक है ना, ऐसा मत ना। तो ये कल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो भाई, हॉस्टल, हॉस्टल जा रहे हैं, ये हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं, इनका मोच भी बहुत अच्छा है इनका मोच अच्छा है ना चलो तुम कुछ कहना चाहोगे मेरे सब्सक्राइबर के लिए, सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट, मन करे तब, हाँ मन करे तो, ये भी सही बात है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तभी तो लोग सब्सक्राइब करेगा। चलो ठीक है, देख सकते हो सब लोग खाली हो चुका है यहाँ पे और अब मैं आप लोगों को यहाँ मिलाने जा रहा हूँ कैमरा मैन वालों से। तो हाय कैसे है, बहुत अच्छे हैं, अच्छा बहुत अच्छे हैं। और आप लोग कहाँ से हुए, मधेपुरा, मधेपुरा प्रॉपर मधेपुरा से, अच्छा तो आप लोग का जो टीम है उसका कुछ तो होगा, एक एस एस वीडियो समीम, अच्छा तो मधेपुरा में कहाँ से हो गए आप लोग, भिड़की से हो गए, अच्छा भिड़की से हो गए, तो देख सकते हैं आप लोग के टीम में 4 मेंबर और कोई है, अच्छा और सब है तो और सब काम कर रहा है। चलिए ठीक है, चलिए आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, अगर आप लोगों को किसी को कांटेक्ट करना होगा तो ज़रूर आप लोग का कांटेक्ट नंबर दे देना, मैं इसमें डालूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। तो अभी बज गए रात के 1:30 और मैं क्या बताऊं यार कि मुझे हमेशा अभी लगातार शादी ही वाला ब्लॉग से ब्लॉग बन रहा है और 13 तारीख को एक और क्या बोलते हैं शादी है, तो उसमें ऐसे मेरा इन्विटेशन नहीं था लेकिन वो लड़का मिला और बोला कि मैं भूल गया था आपको स्पेशली मुझे इनवाइट कर रहा है वो, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें और बेल आइकन जो घंटी है उसको दबा दें, ठीक है, दबा के दबा दें और इससे क्या होगा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन आते रहेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज फिर से, ठीक है, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।